कहते हैं अगर कोई समझने को तैयार ना हो तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ता है। आज भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान के साथ यही किया है। सेना ने पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से देते हुए उसकी कई चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें 4 पाक सैनिक ढेर हो गए। इस कार्रवाई के बाद पाक ने भारतीय सेना से फायरिंग रोकने की अपील की है। पाकिस्तान हमेशा भारतीय सीमा में गोलियां दागकर सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। लाख समझाने के बावजूद उसे समझ नहीं आता कि दुश्मनी से नहीं दोस्ती से बात बनती है। अब जब पाकिस्तान समझने को ही तैयार नहीं है तो भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान पर जबरदस्त गोलीबारी की, जिसमें पाकिस्तान के 4 रेंजर ढेर हो गए जबकि कई बंकर ध्वस्त हो गए। भारत के इस हमले से पाक बौखला उठा। पाकिस्तानी रेंजरों ने सीमा सुरक्षा बल से नियंत्रण रेखा पर अपने खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए गुहार लगाई। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि बीएसएफ के जवान नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से की जा रही गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजरों ने जम्मू में बीएसएफ से संपर्क किया और उनसे गोलीबारी रोकने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि 18 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था और 4 नागरिक मारे गए थे। इसी हमले का भारतीय जवानों ने भी जवाब दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।